आज हम सिर्फ 5 मिनट में बिना ओवन, बिना मैदा, बिना आटा, बिना चीनी और बिना तेल के बिस्किट बनाएंगे। अगर इनके टेस्ट की बात करें तो आज तक आपने ऐसे बिस्किट नहीं खाए होंगे। कोई आटा गूंदने की जरूरत नहीं, झटपट से ये बन जाते हैं। तो चलिए देर किए बिना ये बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह 2 बनाना लेंगे। यहाँ पर केलों को हम छील लेंगे। और अब हम केलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सी में डाल देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने केले का पेस्ट बना लेना है। और अब हम इस पेस्ट को किसी भी बर्तन में डिश आउट कर लेंगे। इस रेसिपी में हमारा मेन इंग्रेडिएंट है तिल। यहाँ पर हम तकरीबन 2 कप तिल केले के पेस्ट में शामिल करेंगे। जितने ज्यादा तिल आप केले के पेस्ट में डालेंगे उतने ही आपके बिस्किट खस्ता बनेंगे। बिस्किट बनाने के लिए हमें बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट चाहिए। ये देखें, माशाल्लाह बिस्किट बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट बना है। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें इस तरह से बटर पेपर को लगा लेंगे। अब हम इस तरह से एक शेप लेंगे। आप चाहे तो घर में मौजूद किसी भी चीज का ढक्कन ले सकती हैं। अब थोड़ा सा पेस्ट उठाकर इस शेप में फिल करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह कितनी परफेक्ट बिस्किट की शेप बनी है। अब हम इनको हल्की आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हमारे बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने खस्ता बिस्किट बने हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।